हेलो एवरीवन, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्रिस्टोफ लॉज क्रिस्टोफ रूल के बारे में डिस्कस किया था। आगे चलने से पहले हम एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वास्तव में ये एक फोर्स नहीं है, एक तरह से ये वर्क डन है। तो ये मिसनोमर है जो हिस्टोरिकल जो रीजन है उस पर आधारित है। उस टाइम पे जो साइंटिस्ट थे उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने इस क्वांटिटी का नाम रख दिया था ईएमएफ। तो बाद में पता चला जो ईएमएफ है बेसिकली वो फोर्स नहीं है, वो एक तरह से वर्क डन है। तो ईएमएफ होता क्या है? ईएमएफ को जानने से पहले थोड़ा सा बैटरी के बारे में जान लेते हैं। बैटरी क्या है? तो बैटरी बेसिकली एक डिवाइस है जिसमें दो टर्मिनल होते हैं। आप सबने देखी होगी बैटरी सेल, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा होता है नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव और नेगेटिव के सिंबल बने होते हैं। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो हाई प्रेशर पे होता है और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो लो प्रेशर पे होता है। और बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं और वो जो केमिकल रिएक्शन है वो बैटरी के दो टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको बनाए रखते हैं। तो अब ये ईएमएफ क्या चीज़ है? तो बैटरी की डेफिनेशन आप चाहे तो ले सकते हैं। बैटरी इज अ डिवाइस विच मेंटेन्स ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू टर्मिनल। तो अभी ईएमएफ के बारे में जानते हैं। तो ईएमएफ के बारे में जानने से पहले एक बार बैटरी के अंदर देखते हैं, बैटरी के अंदर क्या हो रहा है। तो ये दो टर्मिनल है बैटरी के, इसको मैं कह देता हूँ पॉजिटिव जो हाई पोटेंशियल पे है और इसको मैं कह देता हूँ नेगेटिव जो लो पोटेंशियल पे है। इसका नाम मैं रख देता हूँ ए और इसका नाम रख देता हूँ बी। और मान लेता हूँ ए और बी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ए और बी के बीच जो डिस्टेंस है वो कितनी है? स्मॉल डी। तो स्मॉल डी डिस्टेंस है इन दो टर्मिनल के बीच। ये जो है ये हाई पोटेंशियल पे है, ये हाई पोटेंशियल पे है और ये लो पोटेंशियल पे है। और बैटरी के अंदर अभी सिचुएशन क्या है? जैसे ही बैटरी का कंस्ट्रक्शन थोड़ा बहुत आपको पता होगा, बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रो लाइट होता है। वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो बेसिकली क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो इनको चार्ज करता है। और जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उन केमिकल रिएक्शन की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आता है, ए की तरफ। तो ए की तरफ पॉजिटिव चार्ज आता है, जो ए इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो बी है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो इसका पोटेंशियल लो है और इसका पोटेंशियल है हाई। आप ये भी कह सकते हैं इसका पोटेंशियल आप कह सकते हैं वी प्लस और इसका पोटेंशियल आप कह सकते हैं माइनस वी। तो ये डिपेंड करता है आपने जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो किस तरह के लिए हैं और जो इलेक्ट्रोड है वो किस टाइप के लिए है। तो इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के नेचर पर भी ये चीज डिपेंड करती है। तो जैसे ही बैटरी के अंदर वो जो केमिकल रिएक्शन जो हो रहे हैं जिसकी वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की मैं बात करूं ये प्लस क्यू, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है उस पे बैटरी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन उससे फोर्स इस तरफ लग रही है। तो इसको हम कह देते हैं एफ बी। एफ बी ये जो फोर्स, ये फोर्स को लगा रही है बैटरी। तो बैटरी जो फोर्स लगा रही है उसकी वजह से ये जो चार्ज पार्टिकल है, तो ये जो चार्ज है इधर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है और इधर नेगेटिव चार्ज जा रहा है। तो इसकी वजह से बैटरी के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो क्या ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस को सेपरेट कर रही है? नहीं, चार्ज को सेपरेट जो फोर्स कर रही है वो क्या है? एफ बी, जिसको हमने कहा है फोर्स अप्लाइड बाय बैटरी। एंड एफ बी इज नॉन इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स। एफ बी इज नॉन इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो एफ बी जो है वो बेसिकली नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो चार्ज डीज को सेपरेट कर रही है, जिसकी वजह से ये हाई प्रेशर बाहर आ रही है, लो प्रेशर बाहर आ रहा है, और इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्जेस को पॉजिटिव एंड की तरफ आने से रोकेगी, लेकिन भी बैटरी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन है वो लगातार हो रहे हैं और वो इतनी ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा है तो चार्ज पार्टिकल इधर आते जाएंगे। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक बैटरी जो फोर्स लगा रही है वो फोर्स चार्ज पार्टिकल पे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रही है एफ ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह देते हैं इसको, एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बेसिकली जो बैटरी ने चार्जेस को सेपरेट किया है, जो बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन हुए हैं उसकी वजह से जो चार्जेस सेपरेट हुए हैं उसी की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फिर बैटरी जो फोर्स लगा रही है इसका अपोज कर रही है। तो सिचुएशन ये होगी, बैटरी जो है वो फोर्स लगाती जाएगी, चार्ज पार्टिकल इधर आते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होती जाएगी, एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जिसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम सिचुएशन। उस सिचुएशन में एफ बी बैटरी ने जो फोर्स लगाई है वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है उसके इक्वल आ जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम में हम लिख सकते हैं फोर्स अप्लाइड बाय बैटरी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि ये काम तो कभी कभी होना ही है, क्योंकि जो बैटरी फोर्स लगा रही है चार्ज करा रहे हैं तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है वो इसका अपोज कर रही है, तो ये सिचुएशन आ जाएगी एफ बी एफ बी के इक्वल होंगे हो जाएगी, तो उस केस में जो चार्ज पार्टिकल है फिर वो एक एंड से दूसरे एंड पे जाना बंद हो जाएंगे, तो इसको हम कहते हैं ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन। तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन में ये कंडीशन आ जाएगी, अब सपोज मैं यदि इस पॉइंट तक किसी चार्ज को ले जाने का वर्क निकालूं, लेट अस कैलकुलेट वर्क डन कैरिंग चार्ज क्यू चार्ज फ्रॉम बी टू ए बाय बैटरी फोर्स, ये वर्णन कितना होगा, मान लेते हैं ये है, तो ये W किसके इक्वल होगा, और टन फोर्स कितनी है बैटरी ने जो फोर्स लगाई है एफ बी, और आप देखिए जो फोर्स है, क्योंकि जो बैटरी जो फोर्स लगाएगी वो यहाँ से यहाँ तक कॉन्स्टेंट है, और ये डिस्टेंस कितनी है d, तो इसी क्योंकि हम b से एक की तरफ जा रहे हैं तो इसी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट और इसी डायरेक्शन में फोर्स है, और यदि फोर्स कॉन्स्टेंट हो तो उस केस में ले सकते हैं वट इज इक्वल टू एफ बी टू डी। तो ये जो वर्णन है ये वर्णन किया है बैटरी ने जो फोर्स लगाई है उस, क्योंकि फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, और क्योंकि मैं बी से ए की तरफ जा रहा हूं तो जो डी डिस्प्लेसमेंट है वो भी इसी डायरेक्शन में, तो ये वर्णन आया दिस इज वर्णन बाई बैटरी। तो वर्णन बाई बैटरी पर यूनिट चार्ज वर्क डन बाई एफ बी पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज इसको हम न्यूमेरिकली कहते हैं ई एम एफ, दिस इज द
प्रकार EMF और EMF को हम लिखते हैं E से, so it is given by W by Q, और W किसके इक्वल है, FB into D divided by Q. So this borrowed by बैटरी फोर्स पर यूनिट चार्ज इन कैरिंग द चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड दैट इज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल इज कॉल्ड ई एम एफ एंड दिस ई एम एफ इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट इज वर्क डन एंड वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी सो यू कैन राइट हियर इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. वर्क डन पर यूनिट चार्ज है और वर्क डन पर यूनिट चार्ज की यूनिट होती है वोल्ट, तो इसकी यूनिट होगी वोल्ट. अब आप देखिए जो बैटरी ने जो फोर्स लगाई है, जब हम बैटरी को किसी एक्सटर्नल डिवाइस से नहीं जोड़ रहे, बैटरी से करंट हम नहीं ले रहे, बैटरी के जो टर्मिनल है वो हमने किसी चीज से नहीं जोड़े हैं, जो ये ए और बी जो टर्मिनल है वो ओपन है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब ये कंडीशन है तो हम इसकी बात कर रहे हैं, उस कंडीशन में बैटरी जब फोर्स लगा रही है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल है. तो आप ले सकते हैं ईएमएफ इज आल्सो इक्वल टू व्हाट इज एफ बी, एफ ई एफ बी बी by Q and FB in magnitude is equal to FB into D by Q and what is FE? Force on charge particle Q into E is electric field Q into E by Q into D Q से Q cancel E into D. E electric field जो constant है और D distance याद कीजिए formula प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी और ए और बी के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है वो हम लेते हैं सपोज वी, तो वी इज प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, आप ले सकते हैं वी प्लस माइनस बी माइनस, दिस इज प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी विच इज इक्वल टू ई इंटू डी, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस A and B. तो आप देखिए जो EMF है वो किसके इक्वल आ गया, E into D. E into D क्या है, प्रेशर डिफरेंस. तो आप देख सकते हैं EMF is equal to potential difference. तो आप यहाँ एक और डेफिनेशन ले सकते हैं EMF की, तो यहां से आप EMF को डिफाइन कर सकते हैं. EMF numerically हमने क्या बताया था, EMF था work done by battery force per unit charge, per unit charge in carrying it from low potential to high potential. तो ये था EMF. तो आप देखिए battery की force थी FB, displacement था per unit charge, तो क्यों से divide कर दिया, आ गया E into D. और हमने देखा E into D, E इलेक्ट्रिक फील्ड जो बैटरी के अंदर प्रोड्यूस हुई है चार्ज पार्टिकल के इधर आने से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड into D ये बेसिकली क्या आ जाएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा A और B के बीच. तो EMF और पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होते हैं यदि हम बैटरी के टर्मिनल को न जोड़ें. यदि आपने A और B को एक्सलेंट नहीं जोड़ा है तो जो EMF वो किसके इक्वल है, पी के. तो यही इसकी डेफिनेशन हमने दी है, कोर डेफिनेशन EMF ऑफ बैटरी इक्वल द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल्स व्हेन द टर्मिनल्स आर नॉट कनेक्टेड एक्सटर्नली. कई बुक में ये भी डेफिनेशन होती है, EMF इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड ऑफ ए सेल व्हेन सेल इज इन ओपन, या ओपन का मतलब ये दो टर्मिनल है दे आर
नॉट कनेक्टेड या ये कह सकते हैं इनके बीच में जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है। सो दिस इज ईएमएफ स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट क्या होती है, वही जो पोटेंशियल डिफरेंस की होती है वोल्ट। तो आपने देखा जो ईएमएफ है वो बेसिकली वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज और वर्क डन पर यूनिट चार्ज की यूनिट क्या होती है वोल्ट, और ये स्केलर क्वांटिटी। आइए थोड़ा और डिस्कस करते हैं। पहले हमने जो सिचुएशन ली थी उसमें हमने बैटरी से कोई करंट फ्लो नहीं किया था, यानी बैटरी के जो टर्मिनल थे वो दोनों ओपन थे। अब तब क्या होता है जब हम बैटरी को जोड़ देते हैं, सपोज ये जो पॉजिटिव टर्मिनल था बैटरी का, नेगेटिव टर्मिनल था, ये मैंने जोड़ दिया आपस में, कनेक्ट कर दिया, और ये कनेक्टर है। तब देखिए जो कनेक्टर है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ, और बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है बैटरी के अंदर, इनसाइड द बैटरी, वाइट चौक से दिखा देते हैं, इनसाइड द बैटरी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, और जो कनेक्टिंग वायर है जिसको मैंने ये थिक करके दिखाया है, इस कनेक्टिंग वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है प्लस से नेगेटिव, और आप देखिए जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो आप देखिए जब करंट फ्लो कर रहा है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में करंट आई है, तो उसको जो चार्ज फ्लो कर रहा है टी टाइम में, तो मिल सकता हूँ क्यू इज इक्वल टू आई इन टू टी। तो जब ये चार्ज फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, वैसे हम बात करें रियलिटी की, तो रियलिटी में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो बात हम इलेक्ट्रॉन की करें या पॉजिटिव चार्ज की बात करें, इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो सेम बात है, थ्योरेटिकली आंसर सेम आता है। तो इलेक्ट्रॉन के टर्म में बात करें तो आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे नेगेटिव से इस पॉजिटिव की तरफ आएंगे, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज जो है, जैसे ही नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करके इधर आएगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो घट जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगी तो जो एफ ई इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स है वो रिड्यूस हो जाएगी, परंतु जो बैटरी जो फोर्स लगा रही है वो उतनी है, इसलिए बैटरी वाली फोर्स को मैंने बड़े एरोस दिखाया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को छोटे एरोस दिखाया है। तो इस सिचुएशन में जो नेट फोर्स है, जो बैटरी जो फोर्स लगा रही है वो ज़्यादा हो जाएगी, और इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो बैटरी के अंदर इस डायरेक्शन में चला जाएगा, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, क्योंकि जो बैटरी जो फोर्स लगा रही है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज़्यादा है। पॉजिटिव चार्ज की समझे तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यानी कि जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, करंट का फ्लो हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। हिस्टोरिकल रीजन से इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तब भी हम करंट इस डायरेक्शन में ले रहे हैं। तो आप देखिए जो करंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यानी पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज के जाने से ये इधर जो ये नेगेटिव चार्ज है, इधर जो पॉजिटिव चार्ज है वो ड्यूस हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो घट जाएगी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घट जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घट गई मतलब बैटरी जो फोर्स लगा रही है वो ज़्यादा हो गई, क्योंकि बैटरी तो उतनी ही फोर्स लगा रही थी जितनी पहले थी, यानी जब करंट का फ्लो नहीं हो रहा था, जब टर्मिनल ओपन थे उस केस में बैटरी इतनी फोर्स लगा रही थी, और बैटरी बाद में उतनी फोर्स लगाएगी, एक्चुअली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बैटरी के अंदर वो घट रही है, और वो क्या कर रही है, बैटरी वाली फोर्स यानी एफ बी फोर्स की मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो गई, तो जो नेट फोर्स है चार्ज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे, वो नेट फोर्स जो है जिस डायरेक्शन में बैटरी फोर्स लगा रही है उस डायरेक्शन में आएगी, तो इस नेट फोर्स की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरफ जाएगा, और वो पॉजिटिव चार्ज जब इस तरफ जाएगा तो जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ से गया था वो इसको दोबारा मिल जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस उतनी हो जाएगी जितनी पहले थी। तो ये रीजन है जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी बनाए रखती है। तो हमने देखा था इससे पहले जब करंट फ्लो नहीं हो रहा था तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी
वो बैटरी जो फोर्स लगा रही थी यानी नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों एक दूसरे के इक्वल थी तो वो इक्विलिब्रियम सिचुएशन थी। लेकिन जब हम इसको जोड़ते हैं करंट का फ्लो होता है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये होता बैटरी का। अभी ये सिचुएशन है, मान लेते हैं ये जो बी पॉइंट है ये जीरो पोटेंशियल पे है और जो ए पॉइंट है वो बी पोटेंशियल है पे है, और टी टाइम में जो चार्ज फ्लो करके जा रहा है वो कितना है क्यू चार्ज। मान लेते हैं वी पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ये जीरो वोल्ट पे ये वी वोल्ट पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया वी, और जो ई एम एफ है इस बैटरी का वो मैंने मान लिया कितना है ई। तो अब देखिए बर्टन हम कैलकुलेट करें, तो जब ये चार्ज यहाँ से यहाँ जा रहा है क्यू चार्ज बी से ए पे जा रहा है तो बैटरी ने कितना वर्क किया, वर्क बाय बैटरी। ये वो सिचुएशन है जब करंट का फ्लो हो रहा था, तो हम उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं वर्क बाय बैटरी। सिंबल इट इज यूज फॉर ई एम एफ एंड दिस ई इज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दिस ई इलेक्ट्रिक फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस डिनोट्स ई एम एफ। सो ओवरऑल बाय बैटरी कैरिंग क्यू फ्रॉम बी टू ए तो कितना वर्क करेगी बैटरी, यू वन जो हो जाएगा क्यू इंटू ई वेर ई एज ई एम एफ एंड क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, तो वर्ण कितना हो जाएगा ई इंटू आई इंटू टी। तो ये होगी अपनी इक्वेशन वन। अब आप देखिए जब चार्ज पार्टिकल बी से ए पे जा रहा है, बी पे पोटेंशियल था जीरो, ए पे पोटेंशियल हो गया वी और चार्ज कितना था क्यू, तो कितना पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल जीरो था वी हो गया तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, सो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्यू टू मान लेते हैं एंड चार्ज पार्टिकल गोज फ्रॉम बी टू ए, लेकिन वैन क्यू गोज फ्रॉम बी टू ए, तो क्यू बी से ए की तरफ जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीज हुआ, तो आप देखिए बी पे पोटेंशियल जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और यहाँ पे पहुंचा तो पोटेंशियल एनर्जी प्रेशर हो गया बी, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी होती है चार्ज इंटू पोटेंशियल चार्ज है क्यू, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी क्यू इंटू वी, और क्यू किसके इक्वल है आई बी, सो क्यू इंटू वी वी आई इंटू। तो ये सिचुएशन है, तो आप देखिए यू वन जो है वो हमने वर्क किया या बी वाले बैटरी ने वर्क किया, यू वन इज द वर्क बाय बैटरी और यू टू ये इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो जो वर्क डन किया वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। यदि जितना वर्क किया गया यदि वो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज हो जाता है, इट मीन्स जितना वर्क किया वो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया ना, तो जब चार्ज पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाने में जो रेजिस्टेंस यदि होती तो कुछ जो हीट है जो थर्मल एनर्जी है वो यहाँ पे ड्रॉप हो जाती। बट हम देखते हैं यदि रियल सिचुएशन की बात करें तो रियल सिचुएशन में क्या होता है, यदि बैटरी ई कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है यानी कि ई और वी में यदि कुछ डिफरेंस है, यानी कि आप यू कर लें यू वन इज नॉट इक्वल टू यू टू, यू वन इज नॉट इक्वल टू यू टू देन
आप देखिए जब EMF पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल नहीं है तो उस केस में जो एनर्जी है वो हीट के रूप में लॉस हो रही है। सो एनर्जी, और वो एनर्जी कितनी होगी, U1 माइनस U2। U1 इतना वर्क किया बैटरी ने और कितनी पोटेंशियल एनर्जी क्यू हुई, तो U1 माइनस U2
तो बैटरी के टर्मिनल अब यहाँ पर वो स्पेस इसलिए यहाँ दिखाना पॉसिबल है, इसलिए हम यहाँ दिखाते हैं। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ दिखाते हैं इधर, या आप इधर दिखा लो बैटरी के बाहर कहीं भी दिस इंटरनल रेजिस्टेंस। हाँ, तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ये बता रही है कि जब चार्ज पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा बैटरी के अंदर, तो एनर्जी का लॉस और आप डिपेंड करता है जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितनी है। यदि स्मॉल होगी तो एनर्जी का लॉस स्मॉल होगा, और यदि ज़्यादा होगी तो एनर्जी का लॉस ज़्यादा होगा। तो ये नॉन आइडियल बैटरी है जिसमें हमने इंटरनल रेजिस्टेंस को शो किया है। अब देखिए, ये था वर्णन बाई बैटरी और ये था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जब चार्ज बी से ए पॉइंट पर लेके जा रहे थे तो बैटरी ने इतना वर्क किया था, और बी से ए पर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी में इतना इंक्रीज हुआ था। तो जितना वर्क किया यदि उतनी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज हुआ, इसका मतलब कोई हीट लॉस नहीं हुआ, तो वो बैटरी होगी आइडियल। लेकिन यदि वर्क किया हमने ज़्यादा और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ कम, तो इसका मतलब कुछ जो थर्मल एनर्जी है वो डेवलप हो गई। तो वो थर्मल एनर्जी कितनी डेवलप हुई, मान लेते हैं डेल्टा यू। डेल्टा यू इज थर्मल एनर्जी डेवलप्ड। तो आइडियल बैटरी के केस में तो हो नहीं सकती, तो इसका मतलब ये नॉन आइडियल बैटरी है। यदि हमें एक रेजिस्टेंस के साथ लगा दें इस टाइप से, और मान लें कि बैटरी से हमने करंट कितना ले लिया आई, तो बैटरी से हमने करंट आई ले लिया, और हम जो किरचॉफ लॉ है वो यूज करके हम देख सकते हैं ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो आप देखिए, ए से बी जाएंगे, ए पे पोटेंशियल मान लेते हैं बी, ए पे पोटेंशियल मान लिया बी, और बी पे पोटेंशियल कितना मान लिया जीरो। ए पे पोटेंशियल बी मान लिया और बी पे कितना मान लिया जीरो। तो जो थर्मल एनर्जी डेवलप है वो कितनी हुई, यू वन माइनस यू टू, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वो रहेगा ई माइनस वी इंटू आई। ये इक्वेशन वन थी, ये इक्वेशन दो, और ये होगी इक्वेशन तीन। तो अब देखिए, ए से बी तक जाइए, ए से बी जाएंगे, ए पे पोटेंशियल कितना है बी, नॉन आइडियल बैटरी, नॉन आइडियल बैटरी के फिगर से यदि हम एक रेजिस्टेंस इमेजिन करते हुए माने, तो उस केस में देखिए क्या आएगा। ए से शुरू करते हैं, ए से बी तक जाएंगे, ए पे पोटेंशियल कितना है वी, वी यहाँ से यहाँ तक वायर पोटेंशियल सेम है। उसके बाद आप यहाँ से यहाँ गए, देखिए कितना चेंज आया, ई का चेंज आ गया यहाँ से यहाँ जाने पर, और आप देखिए घट रहा है तो मैं लिख देता हूँ माइनस ई। और आप यहाँ से यहाँ देखिए करंट इस तरफ है, हम जा रहे हैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आपको पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और वो कितना होगा प्लस आई आर। और आप यहाँ पहुँच गए, यहाँ पर पोटेंशियल कितना है जीरो। सिंपल, यहाँ पर पोटेंशियल कितना था ए पॉइंट पे बी, और आप देखिए यहाँ से यहाँ गए पोटेंशियल सेम है बी। उसके बाद जैसे आप गए इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाएंगे, तो आप हाई से वो पे जा रहे हैं, घट गया, कितना घट गया ई, तो माइनस ई कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, करंट इस तरफ है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ता है, कितना बढ़ा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आई इंटू आर। तो आप देखिए यहाँ से ई माइनस बी किसके इक्वल आ गया, दिस इंप्लाइज दैट ई माइनस बी, ई माइनस बी किसके इक्वल आ गया, इसको प्लस ई माइनस का, तो ई माइनस बी किसके इक्वल आ गया आई आर के। तो ये यदि हम इसमें रखते हैं तो आप देखिए क्या इक्वेशन आ जाएगी, थर्मल एनर्जी जो डेवलप हुई डेल्टा यू इज थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी कितनी डेवलप हुई, ई माइनस वी की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए आई आर, तो आई इंटू आई आई स्क्वेयर आर टी। तो आप देखिए ये थर्मल एनर्जी आई स्क्वेयर आर टी, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, जो हीट डेवलप होती है रेजिस्टेंस में यदि उससे करंट फ्लो कर रहा है आई, उसकी रेजिस्टेंस है आर, तो टी टाइम में कितनी हीट डेवलप होती है, तो वो होती है आई स्क्वेयर आर इंटू टी। और ये जो थर्मल एनर्जी जो ड्रॉप हुई है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक जो चार्ज जा रहा था, वो भी बेसिकली वही आई है। यदि आप
बी और ए के बीच में इमेजिन करें कि एक रेजिस्टेंस है जिसको हमने नाम लिया इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो दो चीज़ों का यहाँ पर बता रही है, एक तो ई और वी का डिफरेंस और दूसरा थर्मल एनर्जी। तो ये दो चीज़ें हम तभी बता सकते हैं जब इमेजिन करें कि जो सेल है या जो बैटरी है उसकी एक इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, जिसको आप ऐसे जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप इंटरनल रेजिस्टेंस को अभी आप डिफाइन कर सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन। यहाँ पर हमने बैटरी के साथ एक रेजिस्टेंस को ऐड किया था और इमेजिन किया था कि रेजिस्टेंस इस बैटरी के साथ है, तब जब ई और वी सेम नहीं थे तो ई और वी के बीच में जो डिफरेंस था ई माइनस वी, लेकिन रेजिस्टेंस किया तो वो आया आई आर, हमने देख लिया वो जो थर्मल एनर्जी लॉस हुई वो आई स्क्वायर आर की, और ये परफेक्टली जैसे हमने ओम क्लास से निकाली थी नॉर्मल रजिस्टर में वो भी थी आई स्क्वायर कैपिटल आर टी, तो कैपिटल आर होता वो नॉर्मल रजिस्टेंस के लिए। तो ये इंटरनल रजिस्टेंस है जो बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो चार्ज के मोशन का जो अपोज करता है उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस है ये वो अराइज हुई है, इसलिए हमने इस रेजिस्टेंस को एक अलग से लेटर दिया है स्मॉल आर। सो यू कैन डिफाइन दिस स्मॉल आर अकाउंट्स फॉर डिफरेंस बिटवीन ई एंड बी एज वेल एज थर्मल एनर्जी डेवलप इन द बैटरी। सो the thermal energy developed in the battery and the difference between EMF and potential difference can be explained when we add a resistance which is called internal resistance, so that is why this resistance is called internal resistance। तो आप देखिए यदि हमने internal resistance ली तो जो thermal energy develop हुई है वो battery में हम convert कर सकते हैं कितनी, और जो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है ये वैसे ही बिहेव करती है नॉर्मली जैसे ओम ला से नॉर्मल रेजिस्टेंस बिहेव करती है, इट फॉलो वी इक्वल टू आई आर। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो सेल है उनको कंबाइन करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, और उनका ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे।